हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो SQL सर्वर को लेकर के है। और जब भी SQL सर्वर की बात आती है तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जरूर याद आता है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं रिलेशनशिप की। और रिलेशनशिप कब क्रिएट होगा? तब क्रिएट होगा जबकि हम आपको याद होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कराते थे, लेकिन SQL सर्वर में सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है। तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो 2019 मेरे पास इंस्टॉल है, मैं इसे ओपन करता हूं। ये ध्यान रखना है कि आपको इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है, तभी इसे आप चला पाएंगे, अदरवाइज आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। और जैसे ही ओपन होगा तो यहां पर एक विकल्प आएगा कनेक्ट टू सर्वर, तो आपको सर्वर से इसे कनेक्ट कर लेना है, यानी इंटरनेट से कनेक्ट रहिएगा तो ये सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सीधा चलते हैं न्यू क्वेरी पर और एक क्वेरी बनाएंगे, यानी हम बनाने जा रहे हैं एक नया डेटाबेस। डेटाबेस बनाने का कमांड होता है क्रिएट, और यहाँ पे क्रिएट लिख करके और यहाँ लिखेंगे डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस किस नाम से बनेगा वो यहाँ पे डिसाइड कर लिया जाएगा। यानी मान लीजिए कि डाटाबेस हमारा सेल्स के नाम से बन रहा है, तो यहाँ सेल्स लिख दिया हमने। ठीक है, और सेल्स नाम से डेटाबेस बनेगा तो फिर कैसे बनेगा, तो यहाँ टर्मिनेशन देंगे और फिर यहाँ पर जो है आप इसको चलाएंगे। तो चलाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे ये डेटाबेस बन गया है, अब हम इसको यूज कर लेते हैं। तो इसी डेटाबेस को हम करने जा रहे हैं यूज, तो यहाँ पर लिखेंगे यूज सेल्स। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही लिख देंगे यूज सेल्स, तो ये हमारा डेटाबेस जो है यूज में आ जाएगा। अगर इसको एक्सिक्यूट कर देते हैं तो ये यूज में आ जाएगा, इस तरीके से देख सकते हैं ये आ गया यूज में। अब क्या करना है, आप एक टेबल बना लेते हैं। तो टेबल बनाने के लिए क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे क्रिएट टेबल। ठीक है, टेबल का नाम होगा मान लीजिए कस्टमर, तो ये हो गया CUSTOMER कस्टमर। तो कस्टमर नाम से हम टेबल बना रहे हैं, ब्रैकेट को यहां पर कर लेना है ओपन। और अब यहां पर क्या करना है, सबसे पहले तो कस्टमर आईडी दे दीजिए आप, तो ये हो गया कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, ये दे दिया हमने कस्टमर आईडी। और यहाँ पे डेटा टाइप रख दिया है इंट। ठीक है, और इसे हमने बना दिया प्राइमरी की, प्राइमरी की यानी इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो इस तरीके से आपने प्राइमरी की बनाया और यहाँ पे लिख देते हैं नॉट नल, यानी ये खाली नहीं छोड़ सकते आप, नॉट नल यहाँ पे हमने कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये करके और फिर क्या करना है, कॉमा लगा देना है, एंटर करके नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर अब हमें नेम भी देना है, तो यहाँ पर नेम भी दे देते हैं। तो नेम में कौन सा डेटा टाइप दे देते हैं, वेरकैर दे देते हैं, वेरकैर, और इसकी साइज रख देते हैं 30। ठीक है, कॉमा लगा देते हैं, फिर एंटर करके नीचे आते हैं। फोन नंबर देना है तो फोन कर दिया यहाँ पे, और इसका भी डेटा टाइप क्या रख सकते हैं आप, इसका भी डेटा टाइप आप रख सकते हैं वेरकैर, तो वेरकैर लिख देते हैं और इसकी साइज रख देते हैं 40। ठीक है, फिर कॉमा लगाइए, और भी कोई चीज देना चाहते हैं तो यहाँ पे दी जा सकती है, जैसे यहाँ पे कर देते हैं रजिस्ट्रेशन डेट, तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन डेट, और इसका डेटा टाइप हमने रख दिया है डेट। ठीक है, ये करके अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब जब एक्सिक्यूट हो गया तो यहां पर आप इसमें डेटा इंसर्ट करा सकते हैं बहुत इजीली, क्योंकि इंसर्ट इनटू कमांड है, इसके जरिए आप डेटा इंसर्ट कराएंगे। तो यहां लिखेंगे इंसर्ट इनटू, ठीक है, क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू लिखेंगे, और ये जो है किस टेबल में इंसर्ट होगी वो भी आपको देना होगा। तो यहां पर हमारे टेबल का नाम है कस्टमर, तो ये देखिए ये टेबल शेप यहाँ बना हुआ मिल जाएगा आपको, यहाँ कस्टमर के अंदर इंसर्ट करना है। और हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे हमारे पास है कस्टमर आईडी, तो यहाँ हम दे देते हैं कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, और कस्टमर आईडी देने के बाद कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे नेम, जो जो फील्ड नेम है केवल वही आपको देना है। ठीक है, केवल केवल और केवल फील्ड नेम, तो यहाँ कस्टमर आईडी के बाद नेम दे दीजिए, नेम के बाद क्या बचा है, फोन, फिर रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो आया है तो उसको भी दे देंगे, तो ये फोन हो गया। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन डेट आएगा, तो यहाँ पे REG रजिस्ट्रेशन डेट भी आ गया, और फिर इसको बंद करके और यहाँ एंटर कर दीजिएगा, और यहाँ पर वैल्यूज इसमें डाल दीजिए, तो ये वैल्यूज हो गया। और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, जैसे कस्टमर आईडी का डेटा टाइप हमने क्या रखा है ऊपर देख सकते हैं, इंट रखा है, तो यहाँ पर मान लीजिए कस्टमर आईडी है 201, तो यहाँ 201 दे दिया। ठीक है, और 201 देने के बाद कॉमा लगा देंगे, चूंकि ये नंबर है तो नंबर में आपको कहीं से भी सिंगल डॉटेड कॉमा या डॉटेड कॉमा देने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर नेम है तो वहां तो देना पड़ेगा, क्योंकि इसका डेटा टाइप हमने क्या रखा है, इसका डेटा टाइप हमने रखा है वेरकैर, तो हमें देना ही पड़ेगा यहां पर सिंगल डॉटेड कॉमा। तो यहां पे ये सिंगल डॉटेड कॉमा दिया, और यहां पे राजेश एक नाम दे देते हैं, तो देखिए ये जो है सिंगल डॉटेड कॉमा में है, कॉमा लगाएंगे
और फिर कॉमा लगाने के बाद यहाँ रजिस्ट्रेशन डेट आएगी, फोन नंबर के बाद रजिस्ट्रेशन डेट आएगी। तो फोन नंबर का डेटा टाइप हमने वेयर कर रखा है, तो यहाँ पर फोन नंबर भी जो है इस तरीके से आएगा। तो जैसे मान लीजिए डेमो के लिए मैंने ऐसे ही दे दिया फोन नंबर, डमी फोन नंबर हमने दिया है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले मंथ आएगा फिर डेट आएगा, ठीक है। तो मंथ आएगा फिर डेट आएगा फिर ईयर आएगा, ठीक है। तो ये हमने दे दिया है 2002 कर देते हैं यहाँ पे 2002, ये हो गया। और अब ब्रैकेट को यानी सिंगल डॉट कॉमा को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज करना है और यहाँ पे इसे टर्मिनेट करना है और टर्मिनेट करके इसे चलाना है। तो चलाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये सक्सेसफुली कमांड एक्सिक्यूटेड हो गया। अब इसका फायदा क्या हुआ वो समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर सेलेक्ट स्टेटमेंट लिखा हमने और एस्ट्रिक यानी मल्टीप्लाई लगाएंगे। मल्टीप्लाई लगाने के बाद टेबल का नाम आपको देना है यानी कस्टमर जाएगा। अब इसको चलाना है यहाँ से, तो चलाएंगे तो ये यहाँ से एक्सिक्यूट हो जाएगा और एक्सिक्यूट होने के बाद ये वैल्यू इसमें इंसर्ट हो गई है। तो ये इस तरीके से ये क्रिएट हो जाएगा। अब बार बार आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यहां पे चेंजेस करने हैं। देखिए यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, यहां पर अमितेश एक नाम दे देता हूं, अमितेश ये नाम दे दिया और यहां पर इनका ये नंबर है तो नंबर यहां पे आ जाएगा और नंबर आने के बाद यहां पे जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो यहां पे आ जाएगी। तो यहां पर कुछ इस तरीके से मैंने दे दिया और अब इसी को चला देना है, ठीक है। तो यहां से इसे एक्सिक्यूट करा दीजिएगा, एक्सिक्यूट कराइएगा तो ये एक्सिक्यूट भी हो जाएगा। और एक्सिक्यूट होने के बाद अब देखिए ये 201 यहाँ पे हमने रहने दिया था तो इसको 202 कर देंगे, ये तो चेंज करना जरूरी ही है नहीं तो प्राइमरी की का वायलेशन होगा। यहाँ से जाकर के एक्सिक्यूट कर दीजिएगा तो ये फिर एक्सिक्यूट हो जाएगा और फिर देखिएगा तो इसमें दूसरी वैल्यू भी इंसर्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए किस तरीके से ये इंसर्ट हो गई है दूसरी वैल्यू भी, ठीक है। अब मान लीजिए कॉलम भी इंसर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो कॉलम को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हम अल्टर टेबल चलाएंगे। तो अल्टर टेबल यहाँ पे लिखा और अल्टर टेबल लिखने के बाद यहां पर क्या करना है आपको, कस्टमर CUSTOMER कस्टमर लिख दिया हमने और एंटर कर दिया। और एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर जैसे ही करेंगे तो ये करने के बाद यहां पर एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर आपको ऐड कराना है तो ऐड लिखना पड़ेगा, अगर हटाना है तो ड्रॉप लिखना पड़ेगा। तो इतना करने से देखिए ये जो है ना, अब इसको अगर हम चला देते हैं तो इतना करने से क्या होगा, एक और इसमें कॉलम ऐड हो जाएगा। तो देखिए कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया है और यहां से अगर हम इसको चला दें तो आप देखेंगे कि इसमें एक और कॉलम ऐड हो गया है लेकिन यहां पर वैल्यू नल ही है। तो इसमें वैल्यूज भी आप ऐड कर सकते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि इसमें एक और वैल्यू इंसर्ट हो जाए तो क्या करेंगे, तो यहाँ तो आइटम नेम हमने दे दिया, एक चीज इंसर्ट करा लिया है तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं प्राइस दे देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस PRICE। एक और डेटा टाइप का यूज बताऊंगा, यहाँ पर मैं फ्लोट डेटा टाइप रखने वाला हूँ यानी डेसिमल वैल्यू ये एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे FLOAT फ्लोट कर देते हैं और अब यहाँ से इसे चला देते हैं। तो यहाँ से जब चलाएंगे तो ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो जाएगा और तब यहाँ पर सेलेक्ट पे जाके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे दो वैल्यूज आ गई हैं। लेकिन अब हमको दोनों में डेटा एक साथ अपडेट करना है तो कौन सा कमांड चलाना पड़ेगा, अपडेट कमांड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपडेट इस तरीके से और अपडेट लिखने के बाद टेबल का नाम देंगे, तो टेबल का नाम है हमारे कस्टमर, तो ये हो गया कस्टमर, इस तरीके से हमने दे दिया कस्टमर, ठीक है। और कस्टमर देने के बाद एंटर करके नीचे आ जाएंगे और जैसे ही नीचे आते हैं तो क्या करना है, अब जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर सेट करेंगे, तो यहाँ लिखा सेट और सेट लिख करके कॉलम का नेम। तो पहले कॉलम का नेम क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम का नेम स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, आइटम नेम, तो यहाँ पे दे दीजिएगा आइटम नेम, ये हो गया आइटम नेम। और आइटम नेम देने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आइटम नेम जो है यहाँ पर आ भी जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा ये आइटम नेम, ठीक है। और सेट क्या करना है, तो आइटम नेम में वैल्यूज डालनी है हमें, तो आइटम नेम में जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कर दिया सपोज कीजिए कीबोर्ड KEYBOARD, तो ये हो गया कीबोर्ड। अब इसको बंद करेंगे और फिर दूसरे में भी देना है ना, तो कॉमा लगा दीजिएगा और कॉमा लगा करके कॉलम टू का नेम दीजिएगा, जैसे कॉलम टू का क्या नेम है, प्राइस PRICE, तो यहाँ प्राइस दे दिया। अच्छा ये प्राइस भी बिल्कुल वैसे ही लिखेगा जैसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे PRICE, ठीक है। और प्राइस इज इक्वल टू क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो भी प्राइस हो 550 यहाँ दे दिया या जो भी प्राइस आपकी बनती हो वो दे दीजिएगा और यहाँ से टर्मिनेट करिएगा। टर्मिनेशन के बाद क्या करना है, टर्मिनेशन है तो अब इसको चलाते हैं यहाँ से इसको चलाते हैं, यहाँ से एक्सिक्यूट करते हैं। तो एक्सिक्यूट किया तो ये देखिए ये दो रो अफेक्टेड हो गए, इससे दो रो अफेक्टेड हुए, इसका मतलब क्या निकला,
तो यहां पर जब हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो पता चलेगा, अभी तक तो रिकॉर्ड इंसर्ट हुए नहीं थे, लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है, इससे फायदा कुछ होता है या नहीं होता है। तो क्लिक किया तो यहां पर देखिए कीबोर्ड दोनों में इंसर्ट हो गया है, देख रहे हैं यहां पर 201 कस्टमर आईडी में भी और 202 कस्टमर आईडी में भी कीबोर्ड इंसर्ट हो गया और दोनों में प्राइस भी इंसर्ट हो गई, यानी एक साथ भी लेके आ सकते हैं आप। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी को ड्रॉप कराना हो, हटाना हो, तब क्या करेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, अल्टर फिर टेबल का नाम, ठीक है, जैसे वहां पे दिया था बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी देना है। तो अल्टर फिर टेबल और फिर टेबल का नाम, तो टेबल का नाम है कस्टमर, तो ये हो गया कस्टमर, और कस्टमर लिख करके एंटर कीजिएगा, और एंटर करने के बाद यहां पर क्या करना है, ड्रॉप चलाना है, तो ये लिखा ड्रॉप, और यहां लिख दीजिएगा कॉलम, क्या लिखिएगा कॉलम, कौन से कॉलम को ड्रॉप कराना है, जैसे मान लीजिए हमें ड्रॉप कराना है आइटम नेम या प्राइस को ही ड्रॉप कराना है, तो पी आर आई सी ई प्राइस लिख देंगे और यहां से प्राइस लिख करके टर्मिनेशन दे देंगे, तो टर्मिनेशन देंगे तो यहां पर ये ड्रॉप हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, यहां पर ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया, और अब इसको यहां से चलाएंगे तो देखिए ये ड्रॉप होता है या नहीं होता है। तो यहां देखिए केवल कीबोर्ड वाला ही यानी आइटम नेम वाला ही बचा है, बाकी तो ड्रॉप हो गया।